नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के परिसर में और बिहार विधानसभा के इस पूरे भवन को LED लाइट से सजा दिया गया है। आपको पता है बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाना है 21 अक्टूबर को, जिस दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। और ये पूरे विधानसभा के भवन को आप देख रहे हैं कैसे रंगीन बल्बों से, लाइट से इसे सजा दिया गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। रात के समय में इसकी खूबसूरती जो है वो और काफ़ी अच्छी लग रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए कैसे पेड़ में भी हरे हरे लाइट्स लगा दिए गए हैं, जो पेड़ की डाली है उन सभी को सजा दिया गया है। हर ओर विधानसभा में जहाँ आप जाएंगे वहाँ रंगीन LED बल्बों से हर उस कोने को सजा दिया गया है जहाँ तक लोगों की नज़र जाए। और ऐसे में बिहार विधानसभा का ये भवन, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसका जब शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, इस मौके पर देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए तैयारियां जो हैं वो अब तक चल रही हैं। हम आपको दिखाएंगे, देखिए कैसे बड़े बड़े जो हैं वह चबूतरे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। और इसके अलावा पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का भी रोपण किया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। तो दो स्टैंड बनाए गए हैं, एक यहाँ पर है, एक वहाँ आगे में है। दो जगहों पर स्टैंड बनाया गया है और अभी रात तक जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। देख सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहाँ पर एक जगह पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया जाएगा, शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर चकाचौंध हो चुका है ये बिहार विधानसभा का भवन, जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है बिहार विधानसभा का ये भवन, जिसमें कभी कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, राजनीति किया करते थे, जगन्नाथ मिश्रा बैठा करते थे, लालू प्रसाद यादव बैठा करते थे। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि विगत 16 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो सभी लोग इस बिहार विधानसभा से अवगत हैं, वो यहाँ पर बैठ कर राजनीति किया करते हैं। यहाँ से बड़े बड़े जो विधेयक हैं वो पेश होते हैं, जिससे बिहार के विकास की जो गति है उसमें और तेज़ी आती है, नए नए प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और इस भवन के शताब्दी वर्ष समारोह पर खुद देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं 21 अक्टूबर को, जिसको लेकर हर ओर जहां भी आप देख रहे होंगे, बाहर की तस्वीर में आपको दिखा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है बिहार विधानसभा का भवन, हर तस्वीर से आपको अवगत करा रहे होंगे। ऐसे में बड़े पैमाने पर बैठक भी चल रही है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, आपने सबको आमंत्रण भी दिया है, कितनी भव्य तैयारी? देखिए 21 तारीख को बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष हम माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और हमारे बिहार के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्री, विधायक, सांसद, वर्तमान पूर्व सभी रहेंगे। और कितना ऐतिहासिक पल हुआ नहीं, ये ऐतिहासिक क्षण तो 100 वर्ष की सफरनामा की गाथा को एक बार पुनः स्मृत करने और आने वाले पीढ़ी को उससे अवगत कराने का ये सबसे सुनहला मौका होगा। और ये 21वीं सदी के बदलते बिहार का एक नया स्वरूप दिखाई भी पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल महोदय रहेंगे, कितनी अच्छी से स्वागत करेंगे, क्योंकि जो महामहिम है वो पहले बिहार के राज्यपाल ही थे, ये कितनी अच्छी बात है। देखिए प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्था अपनी गौरवमयी गौरव गाथा के साथ, परंपरा के साथ विधानसभा सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करेगा। अच्छा, एक छोटा सवाल है, विजय सिन्हा जी के लिए कितना अच्छा पल है, कितना गरिमामय पल है, क्योंकि आप कितनी बार सदस्य रहे, आप जब आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है आपके नेतृत्व में। देखिए ये सुखद सौभाग्य है कि शताब्दी वर्ष का अवसर पर हमें सेवा का मौका मिला है और सभी का स्वागत अभिनंदन का जो सेवा का अवसर मिला है, मैं गौरवान्वित हूँ कि बिहार विधानसभा में हमारे कई महापुरुष ऐसे हुए जो बिहार की ऐतिहासिक क्षण को पूरे राज्य और देश को गौरवान्वित महसूस कराने में अपनी कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका निभाए हैं, और उनको स्मृत कर हम लोग फिर से एक नई व्यवस्था बेहतर ढंग से बनाने के लिए, लोकतांत्रिक वातावरण को मजबूत करने के लिए और ये गणतंत्र की धरती को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सबको ये सौभाग्य मिला और सब मिलकर हम लोग इसको बेहतर ढंग से करेंगे। बिहार एक नए बिहार के रूप में उभर कर एक बेहतर वातावरण बनाएगा। अंतिम सवाल, 21 अक्टूबर यादगार पल रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो विधानसभा आएंगे, जो नए सदस्य हैं, हम सभी के लिए
हम इसी के लिए तो शताब्दी स्मृति स्तंभ के माध्यम से इस पल को अगले 100 वर्ष तक लोगों को याद रहे कि इस पीरियड में जो 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, सब लोगों ने कितनी बेहतर वातावरण को बनाने में एक अहम भूमिका निभाया, एक नया इतिहास रचा है, उस इतिहास को हमारा आने वाला पीढ़ी भी जाने। तो आपने सुना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। काफ़ी गौरवपूर्ण वो क्षण रहेगा जब बिहार विधानसभा के भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में महामहिम राष्ट्रपति पहुंचेंगे और देख सकते होंगे आप खुद कितनी सुंदर लग रही है ये पूरी इमारत। 100 साल हो चुके हैं इस इमारत को, लेकिन अभी भी देख कर कोई कह नहीं सकता है कि इस भवन के 100 साल हो चुके हैं। डेंट पेंट करके पूरी तरीके से लाइट से सजा करके इसे एकदम जगमग कर दिया गया है, रोशन कर दिया गया है। और यही बिहार की जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इतिहास की धरोहर है, उन सभी को हम आने वाले कल में भी इससे भी बेहतर बनाए, ऐसे ही यहाँ पर प्रगति और विकास होता रहे, जनता के लिए अच्छे अच्छे प्रस्ताव यहाँ पर पास होते रहें, इसी की कामना करते हैं। और 21 अक्टूबर को जब यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम होगा और वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा महाबोधि वृक्ष का, तो वो भी तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, उन तस्वीरों से ज़रूर हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।